हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो आज का ये वीडियो मैं खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आप घर पे आसानी से कर सकते हो, और इन एक्सरसाइज को करने के बाद आपके इंजर्ड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर इंजर्ड होते हैं, और कुछ कॉमन इंजरीज होती है जो हर एक फास्ट बॉलर को होती है, वो है शोल्डर इंजरी, लोअर बैक पेन और हैमस्ट्रिंग और साइड स्ट्रेन। तो इन सब इंजरीज से बचने के लिए मैं आज खुद आप लोगों को ट्रेन करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसको पूरा देखना, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर एक फास्ट बॉलर को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर नोटिस करते हैं जो भी यंग फास्ट बॉलर होते हैं उन्हें लोअर बैक पेन की इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लोअर बैक पेन इंजरीज से बचने के लिए इस एक्सरसाइज को आपको जरूर करना चाहिए। और सबसे मजे की बात यह है कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, आप इसे कहीं भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज सिखा देता हूँ कैसे इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको पुशअप की पोजिशन में आना है, कुछ इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट स्टेप, अपने दोनों हाथों को ग्राउंड पर रख दो, कुछ इस तरीके से आपको ग्राउंड पे रख देना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके ये जो हाथ है वो शोल्डर की लाइन में होने चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेट होने चाहिए आपके हाथ, और आपकी गर्दन है वो नीचे की तरफ होगी। आपकी गर्दन, आपको अपनी गर्दन को ऐसे नीचे की तरफ रखना है, और आपकी नजरें भी एकदम ग्राउंड पे होनी चाहिए, और जो आपका बैक है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नीचे और ना ही ज़्यादा ऊपर, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो इस पोजीशन में आपको अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है, और ट्राई करो मिनिमम एक मिनट तक आप ऐसे पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड करके रख सको। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपका बैक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका बॉडी पोस्चर भी काफी अच्छा होगा इससे। तो इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको इस एक्सरसाइज से कितना फायदा मिला। तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है सिंगल लेग प्रेस। अब फास्ट बॉलिंग में बॉल डिलीवर करते वक्त आपका मैक्सिमम बॉडी वेट आता है आपके लैंडिंग लेग पे। अगर आप राइट आर्म बॉलर हो तो आपका लैंडिंग लेग लेफ्ट लेग होगा, मतलब जिस हाथ से आप बॉल करते हो उसके अपोजिट वाला लेग आपका लैंडिंग लेग होगा। अब जाहिर सी बात है, लैंडिंग लेग पे प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से लैंडिंग लेग के इंजर्ड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या हम अपने लैंडिंग लेग की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, चलिए हम उस एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चेयर लेनी है, कुछ इस तरीके से आपको चेयर के सामने खड़े हो जाना है, ऐसे बिल्कुल सीधा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका ये जो लैंडिंग लेग है उसे चेयर पे रख दीजिए, कुछ इस तरीके से। अब आपको अपना बॉडी वेट इस सिंगल लेग से ऊपर की तरफ लेके जाना है, कुछ इस तरीके से। अब आपका ये जो दूसरा पैर है वो हवे में होगा, ऐसे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने दूसरे पैर को फिर से नीचे लेके आना है, ऐसे। और साथ ही साथ अब आप अपने लैंडिंग लेग को भी नीचे लेके आ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको ये एक्सरसाइज एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो आपके लेग्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बॉलिंग करते वक्त आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आता है आपके दोनों लेग्स पे। तो अगर आपके लेग्स वीक है तो समझ लेना कि आप एज अ फास्ट बॉलर आपका करियर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला। वीक लेग होने की वजह से आपके इंजर्ड होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अपने लेग्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको स्क्वाट्स जरूर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको सही तरीके से स्क्वाट्स कैसे करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं।
तो बेसिक स्क्वाट्स करने के लिए आपके दोनों पैरों के बीच में एक डिसेंट गैप होना चाहिए, तो गैप उतना ही होना चाहिए जितने आपके शोल्डर्स है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट ऐसे अपने हाथों को ऐसे सामने लेकर आओ, इससे स्क्वाट करते समय बैलेंस बना रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप स्क्वाट्स करो तब आपके ये जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा आगे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पीछे की तरफ, ऐसे एकदम स्ट्रेट रखो अपने बैक को और आपकी बैक और आपकी नेक एक लाइन में होगी। अब आपके अपने हिप को आपको ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाना है, आपका हिप और आपकी थाई फ्लोर से पैरेलल रहेगी और आपकी ये जो नी है वो टो की लाइन में रहेगी, कुछ इस तरीके से। अब आपको वापस अपने न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है और जब भी आप नीचे जाते हो तब आपको सांस अंदर लेनी है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही आप ऊपर आते हो तब आपको सांस फिर से छोड़ देनी है। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इन तीनों में से आपको कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको इन एक्सरसाइजेस रिलेटेड वीडियो और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यह हमारा यूज़र नेम क्रिकेट बायो 1, और हमें यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।